जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब वो बंदे ज़रा हाजिर हो जाएं, यानी कि जो कराची किंग्स की टीम को अच्छा नहीं समझते। मैं सिर्फ टीम की बात कर रहा हूँ, कराची में रहने वालों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। इस तक गेम सिर्फ गेम में, यानी कि जिनको टीम अच्छी नहीं लगती वो बुरी खबर है कराची के चाहने वालों के लिए, कराची के फैंस के लिए। क्योंकि बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक की तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस इस तरह की आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बात कुछ यूं है कि मोहम्मद आमिर ने कराची किंग्स को छोड़ने का फैसला कर लिया। जी हाँ, मैंने तो जब से ये खबर सुनी है मेरे अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। जी हाँ, अब कराची की टीम में जिस तरह पिछले साल उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कॉलन मुनरो इफ्तिखार अहमद मोहम्मद रिजवान को निकालने की, और इस बार फिर एक बहुत ही बड़ी गलती सामने आ चुकी है कराची किंग्स की तरफ से। बात कर चलें जो मेन वजह सामने आ रही है, मेन वजह ये है जिस तरह आपको मालूम है कि इस बार बहुत से प्लेयरों की ज्यादती हुई है। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्लेटिनम में शामिल थे सुहेल तनवीर, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन उनको तनजली करके उनको डायमंड कैटेगरी में ला दिया गया है और इससे उनकी सैलरीज पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से मोहम्मद आमिर को भी शिकायत है कराची किंग्स की टीम से, और उन्होंने बात की कि आप किसी भी रब्ता करके मुझे प्लेटिनम कैटेगरी दिलवाएं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची किंग्स की मैनेजमेंट ऐसा ना कर पाई। और अब मोहम्मद आमिर ने यह फैसला लिया है कि वो कराची किंग्स को छोड़ने वाले हैं और वो ड्राफ्ट में अवेलेबल होंगे। बात कर चलें, सीन फिर कुछ इसी तरह होने वाला है जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था हसन अली वाला, कि पेशावर ने हसन अली को रिलीज़ किया और उधर से वाइल्ड कार्ड एंट्री में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको ले लिया। तो इस बार कुछ भी कहा जा सकता है, पहली पिक ही लाहौर की है, हो सकता है लाहौर प्लेटिनम की जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री में मोहम्मद आमिर को पिक करने की कोशिश करे, क्योंकि आपको मालूम है कि हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और शहीन शाह अफरीदी अगर मिल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगली टीम्स के लिए। और बात कर चले जिनका साथ देंगे जेम्स फोकनर और राशिद खान, यानी कि बहुत खतरनाक बॉलिंग लाइन मान सकती है लाहौर कलंदर की अगर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में पिक कर लें मोहम्मद आमिर को। लेकिन अभी फ़िलहाल बिग न्यूज़ यही है कि कराची किंग्स को उन्होंने छोड़ दिया, और इतलात ये भी थी इमाद वसीम भी छोड़े हैं, लेकिन अभी तक वो कन्फर्म नहीं हो रहा, उसका पता हमें कुछ दिनों तक चल जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि अब कराची के इस नुकसान की भरपाई किस तरह करेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर उनको अब दोबारा मिल नहीं सकता। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।